हेलो बच्चों, मैं अमित साहू। आज हम डिस्कस करने वाले फिजिक्स रिलेटेड बुक्स के बारे में। कुछ बच्चों का मेरे पास एसएमएस आ रहा था, कॉल आ रहा था कि सर हमें कौन सी बुक रिफर करनी चाहिए 11th और 12th के एग्जाम के लिए, साथ साथ नीट और जेड वाली के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे नीट जेड वाली 11th 12th के लिए कौन सी बुक्स रिफर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है एनसीईआरटी। आपको सबसे पहला मस्ट है कि एनसीईआरटी आपको यूज करनी है। एनसीईआरटी में जो ब्लू बॉक्सेस में कंटेन रहते हैं वो आपको पढ़ना है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो नेट का एग्जाम हो चाहे 12th के बोर्ड एग्जाम हो, तो वहां से डायरेक्टली ब्लू बॉक्सेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा उठा के पूछा जाता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का क्वेश्चन। और एग्जाम्पलर अगर आप बना लेते हैं तो बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो आपको सेकंड डे के चलना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन को। थर्ड बैक एक्सरसाइजेस। तो जो भी चैप्टर होता है चैप्टर के बाद बैक एक्सरसाइज दिया रहता है, उसमें चैप्टर के बाद जस्ट क्या दिया रहता है, एक्सरसाइज दिया रहता है। अगर एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी आप साथ में सॉल्व कर लेते हो तो आपका उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ये मान के चलिए अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं, नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, JEE की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी मस्ट है। तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये सबसे पहला आपका ऑप्शन है। सेकंड बात आती है एक रिफ्रेशर की। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा करना है और बहुत अच्छे से आपको डिटेल में जाना है बोर्ड एग्जाम के लिए, मेरे को डिटेल में और अच्छे से पढ़ना है, तो उसके लिए प्रदीप दिनेश एसएल अरोड़ा विनेश पब्लिकेशन की बुक आती है। विनेश पब्लिकेशन लेटेस्ट लॉन्च बुक है, आप इसको एक बार देख सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। इसमें भी आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा और तैयारी करने में इजी मिलेगा। और साथ ही साथ एसएल अरोड़ा तो बेस्ट ऑप्शन है ही आपके पास। एसएल अरोड़ा की बुक बहुत अच्छे से आप कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ सकते हैं, और ये पढ़ने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन आपके आसानी से क्लियर हो जाएंगे। प्रदीप दिनेश का ऑप्शन आपके पास बहुत पहले से है, बेटर ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या कवर करता है। कवर सीबीएसई सिलेबस, ये पूरी तरीके से सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रहता है और उसी को कवर करता है कंप्लीटली। सेकंड ऑप्शन लेके चलते हैं इसमें न्यू क्वेश्चंस फॉर लेटेस्ट एग्जामिनेशन। इसमें जो भी लेटेस्ट एग्जामिनेशन होने वाले हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, उसके लेटेस्ट क्वेश्चन आपको न्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे यहाँ पे। नए नए क्वेश्चन किस टाइप के हैं प्रैक्टिस के लिए, वो आपको नंबर ऑफ चॉइसेस मिल जाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन के लिए। थर्ड गुड कॉन्सेप्ट एंड कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। तो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करनी है, उसके लिए आपको अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ से मिल सकता है। कौन सी बुक से? प्रदीप दिनेश असल रहा विनेश पब्लिकेशन की बुक से मिल सकता है। अगला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए आपको साथ ही साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, आप बोल सकते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स, साथ ही साथ 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाते हैं, ये तो है। साथ ही साथ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नीट JEE के लिए भी फायदेमंद रहेंगे। इतना क्लियर हुआ? तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, 11th 12th की तैयारी करनी है, तो आप एनसीईआरटी प्लस फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। तो आपको ये करना ही पड़ेगा अगर आप 11th और 12th की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको और भी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो आप इसके अलावा एक छोटा सा ऑप्शन है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप एग्जाम आइडिया की बुक आती है। एग्जाम आइडिया में आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीटली दिए रहते हैं, बहुत अच्छे से दिए रहते हैं। आप इसको आप तैयारी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम आइडिया में 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और इसके साथ ही साथ एक ऑप्शन और के पास आपके पास और भी है, और मैं लेकर चल सकते हैं उसको, ऑल इन वन अरिहंत की एक बुक आती है ऑल इन वन, ये आप प्रीफर कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन आपके पास और भी है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप ये सब तैयारी कर लेते हैं, आपके पास टाइम अगर बचता है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने हैं, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके का पैटर्न हो सकता है, बोर्ड एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, किस तरीके का पेपर पूछ सकता है, कौन से लेवल तक जा सकता है, तो आप एग्जाम आइडिया और ऑल इन वन अरिहंत की बुक रिफर कर सकते हैं। तो यहाँ से एक जनरल आइडिया आपको हो जाएगा। अब आते हैं कॉम्पिटेटिव की बात करते हैं, कॉम्पिटेटिव के लिए नीट की बात करते हैं, तो नीट के लिए एससी वर्मा आप रिफर कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट और भी अच्छा करना है, आपको फिजिक्स पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे से इंटरेस्ट लेना है, तो फिर आप एससी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स 1 एंड 2 आर मस्ट, ऑब्जेक्टिव्स 1 एंड 2 यहाँ पे दिए रहते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है वहाँ पे, आप उनको लगा सकते हैं। आगे एक्सरसाइज बहुत अच्छा रहता है एससी वर्मा का, और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट के लिए तो एससी वर्मा बेस्ट बुक है फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। तो आपको ये मान के चलिए अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे थे, ये आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ एससी वर्मा की बुक भी आप प्रीफर कर सकते हैं अगर आपको और भी अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और आगे लेवल अच्छा बढ़ाना है आपको, तो एससी वर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद फोर्थ नंबर की बुक आती है हेलिडे रेशनिंग एंड वॉकर फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स की बुक आती है, जिसमें क्लियर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। और अगर आपको प्रैक्टिकल अप्रोच और अच्छा करना है फिजिक्स में, तो प्रैक्टिकल अप्रोच बढ़ाने के लिए अगर फिजिक्स को बहुत अच्छे से तैयारी करना है, तो हेलिडे रेशनिंग एंड वॉकर की बुक बहुत अच्छी होती है। इतना क्लियर हो गया? तो अब एससी वर्मा और हॉलिडे रेशनिंग एंड वॉकर को ऑप्शन में लेके चल सकते हैं, आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक रिफर कर सकते हैं। इतना क्लियर है? तो आप नीट एग्जाम के लिए मान के चलिए आपको एनसीईआरटी को पढ़ना ही है, ये सब तो बेसिक है, बोर्ड एग्जाम के लिए आप तैयारी करेंगे, उसके साथ ही साथ आप एससी वर्मा या हॉलिडे रेशनिंग की बुक रिफर कर सकते हैं। अगर आपको जेई एडवांस लेवल तक जाना है, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक पहुंचना है आपको, तो उसके लिए बेस्ट बुक है DC पांडे। इससे बेहतर बुक हो ही नहीं सकती JEE के लिए। अगर JEE आपको
अच्छे नंबर से अच्छे रैंक से क्वालिफाइड करना है तो उसके लिए आपको ये मान के चले डीसी पांडे की ऑब्जेक्टिव फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। 5 बुक्स का कॉम्बो रहता है, उसको आप रिफर कर सकते हैं। इसमें आपको बिग क्वेश्चन बैंक मिलेगा, मतलब इतने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको सॉल्व करने के लिए कि कहीं भी आप रेफरेंस कहीं से भी उठा के कोई बुक सॉल्व करोगे तो आसानी से वो बन जाएंगे। मतलब आपको नंबर ऑफ वैराइटीज क्वेश्चन के यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेंगे। उसके बाद देखिए जेई मेंस और एडवांस के लिए सबसे बेस्ट बुक है डीसी पांडे। एंड थर्ड, इंक्रीज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड। अगर आपकी स्पीड अच्छी करनी है आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम जेडब्ल्यूई एडवांस के लिए स्पीड बहुत अच्छे से करनी है, उसके लिए बेस्ट बुक है डीसी पांडे। उसके साथ ही साथ आपको अगर एक्यूरेसी लानी है आपकी स्टडी में तो फिजिक्स की एक्यूरेसी के लिए डीसी पांडे की बुक बहुत अच्छी बुक है। तो ये मान के चलिए अगर आपको जे एडवांस लेवल की तैयारी करनी है, जेडब्ल्यूई एडवांस के लिए आपकी तैयारी करनी है तो आप ये मान के चलिए कि डीसी पांडे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। ये नीट के लिए आप मेरे ख्याल से मेरे को जैसा लग रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि एस सी वर्मा बेस्ट है अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। बाकी जेई एडवांस और मेंस के लिए डीसी पांडे की बुक बहुत जबरदस्त है, आप इसको यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता था, अगर आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है तो बोर्ड एग्जाम के लिए आप एनसीईआरटी और सेकंड ऑप्शन लेके चल सकते हैं प्रदीप दिनेश एसएलआर और दिनेश पब्लिकेशन की बुक। ये बोर्ड के लिए आपका कंप्लीट पैकेज है, इससे आपका बोर्ड कंप्लीट कवर हो जाएगा और साथ साथ जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से यहाँ से बना सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन आपके पास है एससी वर्मा का, तो एससी वर्मा के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे नीट के लिए अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा करना है आपको नीट के लिए तो एससी वर्मा की बुक आप रिफर कर सकते हैं। और आपके पास ऑप्शन में फॉलिड रेस्टोरेंट वॉकर की भी बुक है। ठीक, आगे फिफ्थ ऑप्शन पे जाते हैं अपन, डीसी पांडे। डीसी पांडे आपका जेई एडवांस और नीट, जेई एडवांस और मेन्स के लिए सबसे बेस्ट बुक है, यहाँ से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट आप बुक बोल सकते हैं आप मेंस और एडवांस के लिए, अगर यहाँ के क्वेश्चन आप बना लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। उसके बाद एक और ऑप्शन है आईई इरोडो का, तो इरोडो की बुक है ना, अगर आप डीसी पांडे तक पहुंच जाते हैं अगर इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो ये मतलब बोल सकते हैं कि इनफ है यहाँ तक। उसके बाद अगर आप अभी सॉल्व करना चाहते हैं और लेवल आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आईई इरोडो की बुक आती है। इसमें छोटी पतली बुक होती है, 70-80 रुपए की आती है, बहुत छोटी बुक रहती है, आप इसको चाहो तो बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो अगर आपको और आगे का लेवल तक सॉल्व करना है तो। वैसे यहाँ तक करते हैं आप तो पर्याप्त है, यहाँ तक आप करोगे तो आपका कॉम्पिटिशन पूरा कवर कम्प्लीटली हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद है आपको आज का जो बुक स्टडी है वो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप इसके अकॉर्डिंग अगर तैयारी करते हैं, इस तरीके से मैंने जो प्लान बताया उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर गेन करने में बहुत आसानी होगी। थैंक यू सो मच।